देश का लोकतंत्र ठीक नहीं है, अब रहने लायक नहीं रहा है। यह बात राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। विवेक तनखा ने कहा कि सरकार के इशारे पर जिस तरीके से ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं पर शिकंजा कस रही है, हमारे पास लोग आते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री और व्यापारी परेशान हैं। लोगों से जाकर पूछो तो सबको डराया और धमकी दी जा रही है, तभी तो लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी इस देश को सहयोग से नहीं बल्कि डर और धमकी से चलाना चाहती है। बीजेपी जिस व्यवस्था की बात कर रही है उस व्यवस्था को लोग जल्द ही नकार देंगे। लोगों को खौफ हो रही है, जो कानून समझते हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं, अपनी अपनी गाथा गाते हैं, रोते गाते हैं, किस तरह से इंडस्ट्री परेशान है, किस तरह से ट्रेडर परेशान है, किस तरह से जीएसटी वाले परेशान करते हैं, पूछो तो जाके लोगों से, आप तो भी तो मिलते होंगे। सबको धमकी दिया जाता है, आप इंडिया छोड़ छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, एनआरआई क्यों बन रहा है इंडिया इस वक्त, इसीलिए तो जा रहे हैं कि आपकी व्यवस्था है, आपकी जो कानून व्यवस्था है, आपकी टैक्स व्यवस्था है, उसमें बहुत दोष है। आप देखिए, देश धमकी से नहीं चलता, देश डर से नहीं चलता, देश सहयोग से चलता है, देश कानून से चलता है। हमने इस देश को डर और धमकी से चलाना चाहते हैं, सहयोग से चलाना ही चाहते हैं। तो जो व्यवस्था की बात बीजेपी कर रही है धमकी वाली, उस व्यवस्था को लोग नकारेंगे और प्रजातंत्र फिर से रीस्टैब्लिश होगा, क्योंकि हम एक संवैधानिक तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।